जब भी हम डाइट पर होते हैं तो हमें हमेशा अपने पोर्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, थोड़ी थोड़ी खानी होती हैं चीज़ें। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं, फिर भी वो हमें बहुत ही कम कैलोरीज देती है? वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 सैलेड की रेसिपी। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव टेस्टी फ्रेश सैलेड हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं, अमेजिंग वेट लॉस देंगे, लो इन कैलोरीज हैं, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं, इकोनॉमिक सैलेड हैं और ये सारे के सारे बहुत ही हेल्दी हैं। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं और ये सारे बहुत फाइबर रिच है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसको रिलीव करते हैं, आपके गट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, स्किन को ग्लो करवाते हैं, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या थायराइड PCOS की प्रॉब्लम है, आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इनको आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ही मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेट लॉस देने वाले हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। आप इसको बहुत इजीली अपने साथ कैरी करके भी ले जा सकते हो अपने ऑफिस या अपने कॉलेज या अपने स्कूल और आपको ये बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे। तो गाइज़, सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं कि मैं अपने 7 टाइप के हेल्दी सैलेड की रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन को हीट करना है, उसमें अराउंड 1 स्पून में ऑयल डाल रही हूं, फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी अदरक डाल रही हूं, फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन डाल देंगे पैन में, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च डाल देंगे। सब चीजों को स्टर कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज, अनियंस को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, कुक कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब हम पैन में डाल देंगे फाइनली चॉप टमेटो, अब हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अब इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। अब ये मैंने ले ली है होल ग्रीन मूंग दाल या होल ग्रीन लेंटिल, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अराउंड 4 आवर्स के लिए मैंने सोक करके रख दिया था। आप इसको 4 आवर्स टू ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। इसको डाल दिया है पैन में, सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। पैन के ऊपर लिड लगा देंगे और इसको स्टीम में कुक होने देंगे हम। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, सब चीजें हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, इसको हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये है हमारा प्रोटीन रिच सैलेड, ये एक कंप्लीट मील है, इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है और फैट भी है, फाइबर भी है। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में ले सकते हैं और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही, साथ में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है और बहुत ज्यादा यमी भी। सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लिया है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ क्यूकम्बर, इसको चॉप कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे टमेटोज डाल रही हूँ चॉप्ड, अनियंस के स्लाइसेस कट कर लिए हैं मैंने और ये मैंने कैरेट्स के थिन स्लाइसेस कट कर लिए हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ यानी कि धनिया के पत्ते, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं, अगर आप सॉल्ट स्किप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगैनो सीजनिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और ये आ गया हमारा लेमन जूस, इसको भी डाल देंगे हम सैलेड में। अब यहाँ पे थोड़े से मिक्स सीड्स डाल रही हूँ मैं, इसके अंदर पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स का मिक्स है। अब ये सारे के सारे सैलेड को मिक्स कर देंगे हम।
ये सारे के सारे जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं, इससे हमारा सैलेड बहुत ही ज्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सैलेड जैसा नहीं टेस्ट करेगा ये, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है आपको। आप इस तरीके का सैलेड पूरा एक क्वार्टर प्लेट भर के या फिर पूरा एक बोल भर के अपने हर मील से पहले खाइए गाइस। एक तो ये आपको फुल रखेगा बहुत देर तक, और दूसरा ये आपको सुपर्ब वेट लॉस देगा। इसको सर्व कर देते हैं हम एक अच्छी सी डिश के अंदर, और ये लगेगा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग। तो ये है हमारा गॉर्जियस सैलेड जो वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अगर आप इसको अपने हर मील से पहले लेते हैं तो ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही, और साथ में ये फाइबर रिच है, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देगा, और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी रखेगा। फ्रूट सैलेड के लिए एक बोल ले लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे घर की जमी हुई लो फैट मिल्क की दही ले रही हूँ। इसको ब्लेंड कर लिया, अच्छे से फेंट लिया है मैंने। एक कटोरी दही ले लिया यहाँ पे। अब ये थोड़े से गर्म दूध में मैंने केसर मिला के रख दिया था, उसको डाल रही हूँ यहाँ पे अच्छे कलर और टेस्ट के लिए। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, ये ना हो तो आप इलायची घर में कूट के डाल सकते हैं। बिल्कुल एक पिंच जितना सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें, एक पिंच जितना रेड चिली पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे। ये दो बड़े चम्मच बेसिल सीड्स हैं जिसको मैंने आधा ग्लास पानी में भिगो कर रख दिया था 10 मिनट पहले। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अमेजिंग है और बहुत फुल रखेंगे आपको बहुत देर तक। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ये चॉप्ड पपाया है, चॉप्ड खरबूजा मस्क मेलन, चॉप्ड आम ले लिया है हाफ, चॉप्ड एप्पल। अगर कोई भी फ्रूट आपके घर पे ना हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। चॉप पीच ले रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा अनार ले रही हूँ यहाँ पे मैं, पोमेग्रेनेट, और थोड़े से नट्स ले लिए हैं इसमें, बादाम है, किशमिश है और अखरोट है। थोड़ी सी हनी डाल रही हूँ, बिल्कुल एक छोटा चम्मच के जितना इसमें। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे गाइस। सो इजी बन गया हमारा सैलेड। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट एक डेजर्ट की तरह है। अगर आपको कभी मीठे की क्रेविंग हो रही हो या डेजर्ट खाने का मन करे तो इसको खाइए, वेट लॉस भी देगा ये आपको। बस रेडी हमारा सैलेड, सुपर गॉर्जियस। इसको खा के आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप डाइट पर हैं गाइस, सुपर अमेजिंग है ये। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना अमेजिंग फिलिंग प्रोटीन रिच बीन सैलेड। उसके लिए यहाँ पे ड्रेसिंग बना रहे हैं। एक ग्लास ले लिया मैंने, उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लिया है एक चम्मच। अब यहाँ लेमन जूस डाल रही हूँ मैं। सॉल्ट लिया है मैंने, पिंक सॉल्ट बहुत थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर भुना जीरा पाउडर, ग्रीन चिलीज, धनिया। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ड्रेसिंग रेडी है हमारी। एक बोल ले लिया जिसमें सैलेड बनाएंगे। मैंने यहाँ पे चिक पीस ले लिया है, वाइट चना बॉयल्ड है ये सब, राजमा, ब्लैक चना, लोबिया, टमाटर ले लिया चॉप्ड, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड पनीर बहुत थोड़ा सा, दो बड़े चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर। गाइस इसको जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में रोज, और खासकर पीसीओडी वाले। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, थोड़ी थोड़ी करके ड्रेसिंग मिलाएंगे इसमें, और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ड्रेसिंग अच्छे से जो है पूरे सैलेड में मिल जाए। बहुत ही फिलिंग सैलेड है ये, इसको खा के बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, और प्रोटीन रिच है ये, और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड डिलिशियस। रेडी है हमारा सैलेड, एंजॉय करिए इसको। कीनवा सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप कीनवा लिया है, और उसको पानी में बहुत अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है, और पानी के अंदर इसको अराउंड 15-20 मिनट्स तक मैंने सोक करके रख दिया था। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर एक बिटर कोटिंग होती है, वो हट जाती है, और कीनवा हमारा बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता। अब जिस पानी के अंदर हमने इसको सोक करके रखा था सारा का सारा हम ड्रेन कर देंगे। तो ये सारा पानी मैंने छान दिया है। अब हमने अपने कीनवा को कुक करना है, तो मैंने यहाँ पे एक पैन को हीट कर लिया है। ये कीनवा जो हमने छान लिया था इसको पैन के अंदर डाल देंगे हम सारा का सारा। हाफ कप कीनवा हमने लिया था, 3 times पानी हम लेंगे, यानी कि 1.5 cup पानी लेंगे। यहाँ पे पानी डाल दिया है मैंने पैन के अंदर, और अब इसको हम कुक कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूंगी,
अब इसको एक लिड से कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, कीनवा हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है और सारा का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया हमारा कीनवा और बहुत ही खिला खिला बना है ये। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर बनाते हैं अपना सैलेड। आप इस तरह से कीनवा को कुक करके इजिली 3 to 4 days फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब एक ब्यूटीफुल सा सैलेड बोल या डिश ले लेंगे हम और ये जो हमारा कुक्ड कीनवा है इसको हम डाल देंगे बोल के अंदर सारा का सारा। इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड अनियंस थोड़े से 1 और ये 2 spoons। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चॉप्ड टमाटोज अराउंड 2 spoons, मैं ये भी डाल दूंगी। अब इसमें डाल देंगे चॉप्ड क्यूकम्बर जिसको मैंने पील नहीं किया है तो अराउंड 2 spoons इसके अंदर मैं क्यूकम्बर डाल दूंगी। अब मैंने ले ली है ब्रोकली और इसको मैंने ब्लांच कर लिया है यानी बॉइलिंग वाटर के अंदर मैंने इसको अराउंड 1 to 2 minutes के लिए रख लिया था जिससे ये थोड़ी कुक हो गई है। अब अराउंड 2 spoons मैं ब्रोकली डाल दूंगी इसके अंदर। आपके पास घर पे जो भी वेजिटेबल्स हों जो आप सैलेड में यूज़ करते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे रेड बेल पेपर अराउंड 2 spoons इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी। अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा कैप्सिकम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं येलो कैप्सिकम या येलो बेल पेपर। सारी की सारी वेजीज मैंने यहाँ पे रॉ ली हैं, आप चाहें तो इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। अब ये ले लिए हैं मैंने पीनट्स यानी कि मूंगफली, इसको थोड़ा सा मैंने पैन के ऊपर रोस्ट कर दिया है तो अराउंड 2 spoons मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने मिक्स सीड्स ले लिए हैं जिसके अंदर पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हैं, इसको भी डाल दिया है मैंने बोल में। अब ये बना ली है मैंने अपनी सैलेड ड्रेसिंग, इसके अंदर है लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ी सी ओरिगैनो सीजनिंग, बस इन चारों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने बना ली अपनी ड्रेसिंग, सारा का सारा इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको 2 spoons की हेल्प से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी की सारी जो ड्रेसिंग हमने डाली है वो पूरे सैलेड में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई भी मार्केट वाली ड्रेसिंग आप इसके अंदर मत यूज़ करिएगा। जो मैंने लेमन के अंदर सॉल्ट, पेपर और ओरिगैनो सीजनिंग डाला है उससे जो ये ड्रेसिंग बनी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, तो आप इसी को यूज़ करना, आपका सैलेड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, ड्रेसिंग हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है सैलेड के अंदर, तो ये रिफ्रेशिंग सा सैलेड बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्विकली बनके रेडी हो जाता है, कोई भी बना सकता है इसको। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तब भी आप इसको बना सकते हो। प्रोटीन रिच है ये, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, बहुत टेस्टी लगने वाला है, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है, बहुत ईजिली आप इसको कैरी करके अपने साथ ले जा सकते हैं, रात को ही बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसको कोई भी बना सकता है, बहुत ईजी है इसको बनाना, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए और उसको आपने मिक्स कर देना है। अगर आपने कभी कीनवा ट्राई नहीं किया तो ये सैलेड ट्राई करके देखिए, आपका वन ऑफ द फेवरेट सैलेड बन जाएगा, ये गारंटीड। गाइज बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है हमारी एग सैलेड की। 3 boiled egg ले लिए मैंने यहाँ पे और इसका येलो पार्ट मैंने निकाल दिया, सिर्फ व्हाइट पार्ट ले रही हूं मैं यहाँ पे। अब इसके व्हाइट पार्ट को चॉप कर देंगे हम। अब यहाँ पे अनियंस ले रही हूँ मैं चॉप करके, इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। चॉप टमेटोज ले लिए मैंने, ये भी डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर देंगे इसके ऊपर, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो आप इस पर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, लंच और डिनर में सॉल्ट आप प्लीज़ मत यूज़ करिएगा गाइज। और ये रेडी है हमारा एग सैलड, यम्मी, क्विक एंड डिलिशियस। चिकन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लिया है मैंने, 150 ग्राम्स है ये, इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब इसको मैरिनेट कर देते हैं। सबसे पहले हम चिकन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर, ये गार्लिक पाउडर है, आपके पास नहीं हो तो आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, ये पेरी पेरी पाउडर है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा लेमन जूस। अब इन सारी चीजों को अच्छे से रब कर देंगे, चिकन के ऊपर कोट कर देंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे हम अराउंड 15 minutes to half an hour के लिए।
अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, फ्लेम यहाँ पे हमारी बिल्कुल फुल पर है और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लूंगी ग्रिल पैन पर और ये चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल तवे के ऊपर भी इसको कुक कर सकते हैं बहुत इजीली। अब सारे चिकन पीसेस को मैंने स्प्रेड कर दिया और जो मैरिनेट है इसको भी इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल फुल पर है और एक मिनट के लिए एक साइड से हमने कुक कर लिया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और अब इसको टर्न कर देंगे हम दूसरे साइड पर। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम और एक लिड लगाकर पैन को कवर कर देंगे और चिकन को कुक होने देंगे नियर अबाउट 8 to 10 मिनट्स बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। बीच बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं कि चिकन कहीं जल तो नहीं रहा है। अब अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको टर्न कर रही हूं मैं और अराउंड 1 to 2 मिनट्स और हम दूसरे साइड से कुक होने देंगे। अब देख लेते हैं, देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया है दूसरे साइड से भी। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम अपना सैलेड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है मैंने, 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ इसमें, व्हाइट सेसमे सीड्स ले रही हूँ, सफेद तिल, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, लहसुन, इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे, लाइट ब्राउन हो जाएंगे जब ये, तो यहाँ पे क्यूब्स में मैंने अनियंस कट कर लिए हैं ये डाल देंगे, चॉप्ड ब्रोकली, इसको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे, चॉप्ड कैप्सिकम ले रही हूँ, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, इन सबको बड़ा साइज में चॉप करा है मैंने और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे और मिक्स कर देंगे। बहुत ज्यादा इसको कुक नहीं करना, ये थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है। चॉप्ड मशरूम ले लिए हैं मैंने, अगर आपके पास घर पे कोई भी वेजिटेबल ना हो इनमें से तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और बाकी सारी वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और यहाँ पे डाल रही हूं मैं थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस, दैट्स इट। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और अब इसमें डाल देंगे हम अपने चिकन पीसेस जो हमने ग्रिल करके रखा था चिकन और कट कर लिया था उनको स्लाइसेस में, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑरिगैनो सीजनिंग डाल रही हूं मैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स, दैट्स इट। इसको मिक्स कर देंगे एंड दैट्स सिंपल गाइस, बन के रेडी हो गया है हमारा चिकन सैलेड और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व कर देंगे एक प्लेट में, आप 150 ग्राम्स चिकन खा सकते हैं एक बार में और इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं या फिर डिनर में भी ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये वेट लॉस के लिए और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। जस्ट लुक एट दिस, कितना ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस सैलेड है ये और बहुत ही ज्यादा फिलिंग है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो ये है हमारे अमेजिंग 7 सैलेड्स की रेसिपीज। अगर आप अपने पुराने सैलेड खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं ना, तो आप इसको ट्राई करिए, आपको मज़ा आ जाएगा इनको खा के और आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट के ऊपर हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बिल्कुल नो कुकिंग है, कोई भी बना सकता है इनको, बहुत ही ईजिली क्विकली बन के रेडी हो जाते हैं और आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनके भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज आपको और कहाँ मिलेंगी, सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेंगी। आप अगर इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।